भारत अब स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला है। जी हां, एचईएल के साथ मिलकर इसरो के लिए अब क्रायोजेनिक इंजन भारत में ही तैयार होगा, जिसके लिए 208 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण हुआ है। यहां पर एचईएल और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के लिए एक जगह पर ही रॉकेट इंजन प्रोडक्शन का काम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 4500 वर्ग मीटर में बने इस फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगी। यहां पर भारतीय रॉकेटों के क्रायोजेनिक 20 और सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के लिए विकसित करने के लिए 70 हाईटेक इक्विपमेंट्स और टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। आपको बता दें कि एचईएल एरोस्पेस डिवीजन में क्रायोजेनिक इंजन मॉड्यूल बनाने का उद्देश्य से फैसिलिटी के निर्माण के लिए इसरो के साथ एक समझौता हुआ था। साल 2016 में 208 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ICMF की स्थापना के लिए इसमें संशोधन किया गया था। एचईएल के मुताबिक मार्च 2023 तक इस मॉड्यूल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एचईएल एरोस्पेस डिवीजन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV मार्क 3 के लिक्विड प्रोपेलेंट टैंक और लॉन्च व्हीकल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस खास फैसिलिटी को एक छत के नीचे पूरी रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग की सेवाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि एक ही छत के नीचे सब कुछ तैयार होगा। दुनिया भर में लॉन्च व्हीकल्स में क्रायोजेनिक इंजनों का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता आया है। क्रायोजेनिक इंजन की जटिलता के चलते बहुत कम ऐसे देश हैं जो इनको बना पाते हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन और रूस जैसे कुछ देशों को ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, लेकिन अब इस कड़ी में भारत का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि भारत भी अब स्वदेशी तरीके से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ये इंजन अब स्वदेशी होगा। क्रायोजेनिक इंजन के स्वदेशी बन जाने के बाद अब भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग और भी आसान हो जाएगी और अब इसरो के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना उतना ही आसान काम हो जाएगा जितना अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के लिए है। अब इंतजार है साल 2023 का, जब ये मॉड्यूल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और यहाँ से क्रायोजेनिक इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।